महादेव मंदिर फॉरेस्टगंज के लिए, जो सारे घर बैम्बू के बने हुए हैं। आ गए हम हाईवे पर, ये आ गए अपनी चाय, हम दोनों आ गए चलता करता चक्की जबरदस्त भाई, अंधेरा हो गया। और सो गुड मॉर्निंग गाइज, हर हर महादेव। अभी हम हैं मंदिर में धर्मशाला के पास, जहाँ हम रुके थे रात में, और सुबह हो गई अभी 10 बज गए हैं। यहाँ से पानी ठंडा था तो नहा नहीं पाए, और यहाँ से अभी निकलते हैं फॉरबिसगंज के लिए, जो कि है यहाँ से 65 से 70 किलोमीटर। तो आज की जो राइड होगी 65 से 70 किलोमीटर होगी, और ये धर्मशाला थी जो हमने आपको दिखाई थी। और अभी हमारे सामने जो मंदिर है महादेव का, वो दिखाते हैं। वहाँ पर मेला लगा हुआ है और लोग भी आने लगे, धूप निकल आई है, रात में हल्की हल्की बारिश आई थी। तो चलिए, ये हमारी साइकिलें वगैरह रेडी हो गई सबकी। सो गाइस, ये थी वो धर्मशाला, माँ बाबू जी धर्मशाला। और यहाँ पे देखिए कुंड बना हुआ है, और इधर भी मंदिर बना हुआ है, और ये बना हुआ महादेव मंदिर, काफ़ी बड़ा बना हुआ है प्रांगण। और देखिए आज मेला लगा हुआ है, संडे है, संडे को भी मेला लगा हुआ है। सोमवार का होता है, हाँ, लेकिन संडे को मेला लगता है यहाँ पे। अभी ठंडी का मौसम है, धूप निकल आई, सुबह कोहरा छाया हुआ था। अंदर आए हमारी साइकिलें वगैरह, अभी हम लेके निकलेंगे उनको। हर हर महादेव, अंदर है महादेव का मंदिर, शिवलिंग, लोग जल चढ़ा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ, पैर वगैरह धुलने के लिए इधर शॉप्स वगैरह लग चुकी हैं, दुकानें। देखिए इधर दुकानें सजी हुई हैं सभी। अभी सुबह का टाइम है ना, अभी 9 बज गया है, इसलिए अब धीरे धीरे लोग आने लगेंगे। और देखिए यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है, लोग इधर स्नान वगैरह भी करते हैं। सुबह निकलते हैं यहाँ से गाइस बाहर। हेलो करो, हेलो हेलो, हाथ से नहीं, हाथ से करते हैं। हेलो यार, हेलो। तो गाइस देखिए यहाँ मंदिर का मेला लगा हुआ है सुबह सुबह। और सामने देखिए आपको मिट्टी मिट्टी के दिख रहे होंगे टीले, क्योंकि यहाँ पे ना ईंटों के भट्टे जो होते हैं बहुत हैं, तो यहाँ पर ईंटें बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो इसीलिए चिमनियाँ दिख रही होंगी आपको। ये गांव से होकर निकलने वाले, देखो सारे घर बैम्बू के बने हुए हैं, और यहाँ जो उपले होते हैं कंडे गाय के गोबर के, देखो लकड़ी लगा कर बनाए हुए हैं, और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बैम्बू हाउस। लोग भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं मैं देख के। देखो गाइस यहाँ पे ना, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पे देखो बैम्बू बैम्बू बहुत है, बांस, हर जगह बांस के जंगल ही जंगल हैं, देखो आसाम की तरह। तो भाई अभी हमने ले लिए केले, 30 रुपये दर्जन मिले, काफ़ी सस्ते थे। तो केले का ब्रेकफास्ट हो रहा है, क्योंकि समोसे डेढ़ी ना, भटूरे समोसे ये सब बेकार होता है, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। देखो गाँव में बच्चे बच्चे घूम रहे हैं, समय काम करके आ रहे हैं। ये देखो ये बने हुए यहाँ पे, देखो उपले इस टाइप के, देखो इस तरीके के यहाँ कंडे बने हुए हैं, देखो ये लकड़ी लगा के ना, लंबे लंबे, ये अलग ही टाइप के देखे हैं। देखो गाँव में सुबह सुबह लोग ना बच्चे काम करने के लिए निकल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, खेती खेती, यहाँ देखो दोनों तरफ देख सकते हैं आप, खेती खेती हो रखी है, यही है लोगों का मुख्य दिनचर्या, काम। छोटी सी बच्ची साइकिल चला रही है, छोटा सा बच्चा बैठा हुआ पीछे। ओ गिरना मत। देखो यहाँ कितनी गोभी रखी हुई है, यह है गौसाबाद राम किशनपुर गांव। अभी गांव ही चल रहा है। 7-8 किलोमीटर की राइड के बाद आ गए हम हाईवे पर, मेन हाईवे पर, जो कि सिलीगुड़ी लेके जाएगा हमको संभाल के। और देखिए बाबा जी कितनी जल्दी निकालते हैं, बिल्कुल वेट नहीं करते, गलत बात है। लगाइए, बैठिए यहाँ पे हवा में। तो भाई कम से कम 15 किलोमीटर की हमारी राइड हो गई है, और अभी यहाँ से फॉरबिसगंज है जो है वो है 40 किलोमीटर। तो अभी एक टी ब्रेक के लिए यहाँ रुके हैं, एक भैया थे, भैया ने रोका टी ब्रेक के लिए, तो अभी यहाँ चाय वगैरह पीते हैं फिर निकलेंगे। भैया इधर भी वीडियो बना लो, यहाँ से कुछ टूरिस्ट वगैरह थे जो मणिपुर से थे, बस पार्क के हमारा होटल पे सब रुकते हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बढ़िया। ये वैष्णव ढाबा है, वैष्णव ढाबा, माँ भगवती वैष्णव ढाबा, यहाँ पे खाना बढ़िया मिलता है, वेरी गुड। और हम लोग सेवा जो देखते हैं करते हैं, हम सेवा भी। ये भाई साहब है, इधर भी देखिए, ये भाई साहब है, ये इसी के तरफ से आप लोग। अच्छा, आप सेवा पानी बस के साथ नहीं है, अच्छा अच्छा होटल का मालक है। अच्छा, अरे वाह,
वेरी गुड। इधर आइए ना मालक। ये मेरा कारीगर है, देखिए बढ़िया एक नंबर। okay, okay, ये nice, होटल nice. मालक है, ये संतोष यादव नाम है इसका। वेरी गुड। मणिपुर में हेलो कैसे बोलते हैं? हेलो मणिपुरी लैंग्वेज। हेलो, अच्छा हेलो ऐसे बोलते हैं, ये लोकल लैंग्वेज। तो आप कहाँ कहाँ से घूम के आए हो? आप टूर पे थे क्या? अच्छा, तो ये आ गई अपनी चाय एकदम गर्म। ज्यादा ही गर्म है भाई। नॉर्थ ईस्ट आसाम। एक दिन में कितना ट्रैवल कर लेते? एक दिन में रहता 80 से 100 किलोमीटर। 80 से 100 किलोमीटर, वाह भाई। आप हम लोग कितना दिन हो गया निकले हुए? हम लोग एक महीना हो गया, 30 दिन हो गए। 30 दिन हो गए। वीडियो में दिखाई पड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहे हैं आप। हम दोनों आ गए, अभी हम दोनों पीछे से आ रहे थे, अभी देखा बाबा जी की साइकिलें गिरी पड़ी है। मैं तो घबरा गया, पर यहाँ पंचर हुआ है, मुझे ऐसा लगा कोई पीछे से मार तो नहीं है मेरी तरह। पंचर हो गया बाबा जी। और पंचर क्या हुआ यार, ये तो बहुत बड़ा है, दिखा ना। अरे यार ये तो पूरा ट्यूब कट गया भाई, और ट्यूब है भी नहीं अपने पास। तो भाई आज लगने वाली है वाट, लगता है आज तंबू यहीं, टेंट यहीं लगाना पड़ेगा रात में। तो भाई हो गया बड़ा कांड। देखो यार पूरा ट्यूब मतलब पंचर नहीं हुआ, ब्लास्ट हो गया पूरा। किसने करिया? टाइम बम की तरह फट गया बाबा जी का ट्यूब। पहले हुआ है आज, तुमने कोई जरूर पाप किया होगा बाबा जी। बाबा जी ने कोई आज जरूर पाप किया होगा, ब्लास्ट हो गया टायर। हंसना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, ऐसी आ गई एकदम से ब्लास्ट हुआ भाई। तो ऐसा हुआ है ट्रक व्रक में होता है ना उस टाइप में। तो भाई देखो यहाँ रुके हुए थे, बच्चे मिले पास में, गांव था तो बच्चे आए, इन्होंने बहुत हेल्प की। देखो ये ट्यूब का टुकड़ा लेके आए घर से, जो कि बहुत काम का है हमारे, उसकी सख्त जरूरत थी। तो थैंक यू। और यहाँ बच्चों को कुछ खाने पीने टॉफी के लिए कुछ देते हैं हम अभी। तुमने बहुत अच्छा काम किया यार, एकदम सही। पास में रख लेने, ठीक है, खा लेना टॉफी। बच्चों ने अच्छा काम किया, तो ऐसे जो ट्यूब वगैरह तो मिल गया है, अभी पंचर लगाने की हम लगे हुए हैं पंचर लगाने के लिए। और उधर खड़ी कर दी हमने अपनी साइकिल। और भाई सबसे बड़ा पंचर अभी तक का है ना, हिस्ट्री का सबसे बड़ा पंचर लगा है हमारा अभी तक। ये सक्सेस होगा कि नहीं, सक्सेस होगा कि नहीं होगा पता नहीं, देखते हैं अभी। इसके चांस 1% ही है सक्सेस होने के, पर देखते हैं। 2-4 किलोमीटर ही पहुंच जाए, पंचर लग गया है बाबा जी के पूरा। अब देखते हैं कामयाब होगा नहीं होगा, आगे धीरे धीरे चलते हैं, बस दुकान तक पहुंच जाए हमारा नया ट्यूब मिलेगा। बच्चे को ठोक दिया, कहाँ लग गए हम? यहाँ ढूंढ रहे हैं भीमपुर नाम की कोई जगह है, ये हम ढूंढ रहे हैं कोई साइकिल की दुकान जहाँ पे ट्यूब वगैरह मिल जाए। पर मुश्किल है क्योंकि इनके जो टायर है ना वो 27.5 इंच है बड़ा, तो उसका ट्यूब मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि बड़े बड़े सिटी में नहीं मिला। यहाँ पे मिले भैया और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। भैया ने जो चैनल सर्च किया वो पहले से सब्सक्राइब कर रखा था उन्होंने, यानी भैया पहले से वीडियो देखते थे मेरे, तो बहुत अच्छा लगा भाई। भूख लग गई थी, इधर रुक गए और यहाँ पर देखो ब्रेड पकौड़ा लिट्टी छोले चाउमीन कई सारी चीज़ें हैं। भूख लगी और ज़्यादा वैसा तो कुछ मिल नहीं रहा, पर क्या करें खाना पड़ेगा। चक्की से भी चलता है? अरे वाह ये बढ़िया चीज़ सब है ना। अच्छा जनरेटर लगा रखा है इधर भाई, ये देखो कितना अच्छा जुगाड़ा, देखो चलता फिरता चक्की। हाँ यार चलता फिरता चक्की जबरदस्त भाई, ये तो गजब चीज़ है एकदम, ताज़ा पिसाओ बिल्कुल एकदम। चना पिसवाइए। अच्छा बढ़िया जबरदस्त कर देंगे भाई, सिस्टम जबरदस्त है, पहली बार देखा मैंने ये सिस्टम। मैं देख सकते हैं भाई चलते चलते। तो भाई यहाँ नरपतगंज जगह की नाम की कोई जगह है, यहाँ बैठे हुए हैं पीछे मेरे मेडिकल स्टोर, यहाँ से हमने कोई दवाई ववाई ली क्योंकि हमारे पास थी नहीं। और जो दोनों थे ना ट्रैवल विदाउट पैसा बाबा जी, वो गए ट्यूब पढ़वाने के लिए, तो अंदर इधर मार्केट में गए हुए हैं, उधर ट्यूब पढ़वाने के लिए उनको वेट कर रहे हैं। 15 मिनट हो गया है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और यहाँ से जो डेस्टिनेशन है ना अभी वो है कम से कम लगभग 30 किलोमीटर, तो देखते हैं 4 बजने वाला है आज, फिर रात होने वाली है पहुंचने में। यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं, देखिए ये मार्केट है यहाँ पर। तो यहाँ देखो गोभी बहुत बिक रही है, बहुत सस्ती है गोभी, 10 रुपये की 1.5 किलो 2 किलो गोभी। ऐसे ही भैया आए थे, भैया के मोबाइल से हमने चैनल सब्सक्राइब किया, भैया के ब्लॉग देखते हैं भाई। टाइम हो गया अभी 4:15, थोड़ी देर बाद सनसेट हो गया, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, और अभी 20-25 किलोमीटर जाना है, देखते हैं। और हमारे साथ साथ मेरे लेफ्ट हैंड पे चल रहा है
नेपाल बॉर्डर यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा। सिल्लीगुड़ी। हाँ जी, मैं आशा करता हूँ आपकी यात्रा बहुत शुभकामनाएं हो। थैंक यू भैया। भाई हैं, तीन चार भाई और पीछे हैं जो साथ में ट्रैवलिंग कर रहे हैं जी, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भैया, थैंक यू भाई। वहाँ पे मिल गया है मंदिर रहने के लिए, देखते हैं अभी क्या व्यवस्था है यहाँ पे। और सभी बच्चे आ गए देखने के लिए। इसका क्या नाम था छोटे वाले का? गोलू है। ओ गोलू मोलू है भाई, गोलू मोलू भाई। अरे भाई साइकिल ना उठ जाएगी भाई, बहुत खतरनाक रास्ता है मंदिर में जाने वाली। तो भाई ये जगह मिली है मंदिर वाली, यहाँ पे है पुजारी जी, तब लोग मंदिर जी। ये जगह है संत मन सत्संग मंदिर पलासी। सुबह अंधेरा हो गया और फॉरबिसगंज से लगभग 4 किलोमीटर पहले ये सब जो फ्रेंड थे इन्होंने एक मंदिर देखा, तो यहाँ पर रुक गए हम सब। और ये मंदिर में देखिए ग्राउंड बना हुआ है, एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा, इसके बराबर में स्कूल है, ये कुछ आश्रम सा है। तो यहाँ पर कोई कमरे वगैरह तो नहीं है, ओपन खुला है और मच्छर बहुत है यहाँ पे यार। तो देखते हैं यहाँ पर टेंट लगाते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम कुछ भी नहीं है, देखो कैंपिंग करेंगे क्या करते हैं, जरा यहीं पे रुके हैं। तो आज देखते हैं कैसे किट कटने वाली है आज की रात। और यहाँ से जो नेपाल बॉर्डर है वो है 10 किलोमीटर। भाई यहाँ पेट्रोल पम्प के पास में ही भैया का होटल था ढाबा, यहाँ पर खाना ले रहे हैं, थोड़ा सस्ता सही मिल रहा है खाना यहाँ पे, मतलब हमारा खाने पीने का हिसाब बन जाएगा अच्छे से। तो पेट्रोल पम्प के पास में ही था हाईवे पर ये, और भूख लगी है बहुत तेज। तो भाई ये आ गया अपना डिनर, आ गया अपना ढाबे पे, और काफ़ी देखने का भी मस्त लग रहा है। इधर दाल है, इधर है मिक्स वेज प्याज, और देखो यहाँ बिहार में ना ये आलू जो होते हैं फ्राइड राइस, फ्राइड की क्या होता है फ्राइज, राइस की तरह ये जरूर मिलते हैं सब जगह। ठंडी में सही है बैठा। तो देखो भाई ऐसे ऐसे करना पड़ता है, स्कूल में आ गए हमने ब्रांच इधर कर दिया है थोड़ा, और यहाँ पे अपना ये पॉलिसी दिखा दिया, इसके ऊपर लगाएंगे टेंट बाबा जी। और देखो दिन में साइकिल चलाओ, रात में अपना अच्छे सोने का भी करना पड़ता है इंतजाम। अब रात में ये करो और फिर वीडियो एडिटिंग, फिर वीडियो एडिटिंग करेंगे एक बज जाएगा, उसके बाद 2-4 घंटे सोएंगे, फिर सुबह उठ के फिर यहाँ से भागना है दोबारा। सुबह खाना पीना खा के आ गए अपने, और देखा आपने हम टेंट वगैरह हमारा लग चुका है सारा। और देखिए हमारी तीसरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई एडिटिंग की, वो लगे हुए इधर भाई साहब एडिटिंग पे, एक टेंट इधर लगा दिया अपना, चार्जर बोर्ड वगैरह लगा दिया। बाबा जो रहते हैं ना यहाँ पे बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें रुकने की परमिशन दे दी। और देखो ये क्लास रूम है, यहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो देखो कभी क्लास रूम, कभी मंदिर, कभी गुरुद्वारा, कभी जंगल, कहाँ कहाँ हमें रुकना होता है। तो ऐसे ही होता है भाई लाइफ में, यही है कैंपिंग की लाइफ साइकिल से, क्योंकि होटल वगैरह अफोर्ड करना ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए ऐसा भी करना पड़ता है, कभी कहीं पर भी सो सकते हैं। तो ये सारा सेटअप हो गया, और देखो थोड़ा सा थोड़ा आज कोल्ड हो गया है ना, तो यहाँ पे अभी ये रखा हुआ गैस वगैरह, थोड़ा गर्म पानी करेंगे, दवाई वगैरह खाएंगे और फिर लगेंगे अपने एडिटिंग पे। तो 12-1 बज जाएगा, तो यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा दिन साइकिल चलाओ थक जाते हैं, सो भी नहीं सकते, 3-4 घंटे सोएंगे सुबह, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, तब तक के लिए गुड नाइट, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ब्लॉग को। बाय बाय।